अगेन मैं निखिल गर्ग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फिजिक्स चैनल पे बाय निखिल गर्ग। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन का यूनिट सेकंड एंड दैट इज नोन करंट इलेक्ट्रिसिटी और बाय अनदर नेम द यूनिट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। पहले यूनिट में हमने बात करी चार्ज एट रेस्ट। Whenever your charge is at rest, then environment will be different. बात अलग होगी, environment अलग होगा। जब charge rest पे होगा, तो बात करेंगे electric field की, potential की, capacitance की बात। लेकिन जब वही charge, when I give some velocity to that charge, the environment will become different from previous one. That is electrostatics. तो बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रो, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, व्हेनेवर यू लिसन अबाउट द वर्ड इलेक्ट्रो, व्हाट डू यू मीन इट? द मींस इज इलेक्ट्रो वर्ड रिप्रेजेंट अबाउट चार्ज एंड डायनामिक्स अबाउट इज नोन एज मोशन। तो बात कर रहे हैं आज हम आपके यूनिट का, टाइटल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बड़ी शानदार यूनिट है, ठीक है, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। वो तभी आएगा जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से आज के इस लेक्चर को अटेंड करोगे, मुझे कोऑपरेट करोगे, ठीक है, सर की सपोर्ट करोगे, आई नीड योर कोऑपरेशन, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो वर्ड, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स बच्चों, जब भी इलेक्ट्रो वर्ड होगा तो समझना चार्ज होगा, और डायनामिक्स का मतलब है मोशन, डायनामिक्स का मतलब है मोशन, और इलेक्ट्रोवर्ड, इलेक्ट्रोवर्ड का मतलब है बच्चों यहां आपका चार्ज, ठीक है। चार्ज इन मोशन मेक्स ए ब्रांच और मेक्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, टूडेज लेक्चर, today we will discuss about some important topics in this unit and that are introduction of electric current and the second one conventional current। ये conventional current क्या होता, तो current की तरह समझ में आएगा बच्चों आज current की topic है, तो अपने अंदर एक current बना के रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज हम फोड़ देंगे इस topic को, crack कर देंगे। तो third जो topic है वो आपका types of current। आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद में कहीं भी किसी बच्चे के मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि सर करंट का कॉन्सेप्ट क्या था, बैकग्राउंड क्या था। तो चलते हैं, बड़े रहिए निखिल गर्ग के साथ, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉक, तो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, करंट वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट, आप करंट वर्ड से क्या समझते हैं। अगर आपके सामने अगर मैं करंट वर्ड बोलूं, तो जैसे बच्चों के सामने करंट वर्ड बोलते हैं या उनसे करंट के बारे में पूछते हैं, तो बच्चों का एक ही आंसर होता है कि सर वो शॉक वाला करंट, सर वो झटका लग गया, सर वो हमें शॉक वो लग गया। वो नहीं होता है बच्चों, करंट वर्ड ओनली करंट वर्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ करंट वर्ड, ओनली करंट वर्ड। यू कैन सी ओनली करंट वर्ड रिप्रेजेंट समथिंग इज इन मोशन, समथिंग हैज फ्लो, कोई चीज फ्लो कर रही है, समथिंग इन फ्लो, बह रही है, फ्लो कर रही है, मोशन में है। लेकिन क्या चीज मोशन में है, क्या चीज फ्लो में है, वो उसके साथ अटैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। ये रिवर है, इस रिवर में क्या फ्लो करता है, रिवर में वाटर फ्लो करता है। तो रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, और अभी मैंने बोला जो चीज फ्लो में होगी, एनीथिंग विच इज इन फ्लो इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन करंट। तो रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो मेक्स ए वाटर करंट, तो यहां पर वाटर का करंट है, लेकिन करंट वर्ड सिर्फ किसको बता रहा है, फ्लो, ठीक है। बिल्कुल बेस से बढ़ा रहा हूं, ग्राउंड क्या कर रहा हूं आपका इस लेक्चर का, इस यूनिट का। अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई करंट वर्ड का पूछ लेना, तो आप यह समझना कि बात हो रही है मोशन की, इसकी हो रही है वो चीज इसमें है, फ्लो में, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये विंड है आपकी, ब्लो करती है, विंड का मतलब क्या है, मूविंग एयर, एयर अलग है, विंड बोलते हैं मूविंग एयर को, विंड,
तो विंड जो है आपकी मूविंग है, फ्लो में है, उसने भी एक करंट बनाया, दैट इज नोन एज विंड करंट। ठीक है जी, बड़ा ही प्यार से इंजॉय से आज हम इस लेक्चर को समझ रहे हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक याद होंगे, बेसिक से बात करेंगे। जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, अब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज का मोशन। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या बताऊं, चार्ज। चार्ज जब करंट में होगा मतलब चार्ज जब मोशन में होगा ना, तो वही आपका मेन टॉपिक है। अब आप बोलोगे कि सर जो करंट वर्ड है वो तो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या चीज करंट में है, दैट थिंग्स हैज टू बी अटैच्ड विद दैट, उसके साथ अटैच होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंडक्टर है, suppose I have a conductor, you have a conductor, or we have a conductor, is connected with a cell or a battery. Once you connect a conductor with a cell or a battery, the electron starts to move inside the conductor and a current produces inside the conductor. Now you can say electric current is flowing. ये conductor है, जैसे इसको cell और battery से जोड़ा, इसमें current, ये electron देख रहे हो आप, ये electron motion में है, इसके पास एक velocity है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो इसने यहां एक करंट बनाया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली करंट। अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पे आएंगे, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर किस में करते हैं, डिवाइस क्या है, इनकी बात करेंगे। तो ओनली करंट वर्ड का बैकग्राउंड यह था कि करंट वर्ड से आप ये समझोगे कि वो चीज सिर्फ इसमें है, मोशन है। तो बात करते हैं बच्चों अब इलेक्ट्रिक करंट की। तो बच्चों चलते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, हाउ विल यू डिफाइन या हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी हियर वी टू के कंडक्टर, हमने यहां एक कंडक्टर लिया, ये बच्चों ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट। तो जैसे किसी कंडक्टर को हम एक सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसमें से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, चार्ज स्टार्ट्स टू फ्लो इनसाइड द कंडक्टर वंस यू कनेक्ट टू विद अ सेल और अ बैटरी। अब होता क्या है कि करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, आप इस कंडक्टर के अंदर ये डॉटेड सर्कल आप देख सकते हो, ये एक रिंग है, एक अंदर का एक एरिया है छोटा सा, या मान सकते क्रॉस सेक्शन है इसको, बेसिकली हम बोलते हैं इसको क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में डेल्टा क्यू, इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू चार्ज, बड़ा चार्ज है डेल्टा क्यू, ठीक है ना, बड़े टाइम के लिए, एक लार्ज टाइम के लिए फ्लो कर रहा है डेल्टा। जो डेल्टा वर्ड होता है वो हम लार्ज चेंज के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा होगा, दो सिंबल्स हम यूज करते हैं बच्चों, एक होता है डेल्टा और एक होता है डी। डी होता है फॉर वेरी स्मॉल चेंज के लिए, फॉर वेरी स्मॉल, एंड डेल्टा फॉर ए लार्ज चेंज। तो इस क्रॉस सेक्शन में से, इस गिवन क्रॉस सेक्शन में से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से इन टाइम डेल्टा क्यू। तो जब एक क्रॉस सेक्शन में से जब कोई चार्ज किसी टाइम में फ्लो करता है, तो या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो, जो रेट वर्ड है, द रेट वर्ड इज रिलेटेड टू टाइम। जो रेट वर्ड है बच्चों किससे रिलेटेड है, आपके टाइम से। जो चार्ज का रेट ऑफ फ्लो है, दैट रेट ऑफ फ्लो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स योर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां बोल सकते हैं बच्चों की जो आई होगा वो होगा आपका डेल्टा क्यू ऑन डेल्टा टी, रेट वर्ड इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है ना। तो ये जो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी है, डेल्टा टी, इसको मैं डी क्यू बाई डी टी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कब, जब आपका टाइम टेंडिंग टू जीरो, जब आपका टाइम बहुत थोड़ा हो जाएगा, मतलब जब हम बात करेंगे इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में बहुत ही थोड़े से समय के लिए जो चार्ज पास करेगा वो भी तो थोड़ा सा ही करेगा, तो हम बात करेंगे वहां पर इंस्टेंटेनियस करंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ही थोड़े से समय के लिए, और वो समय होगा बहुत ही थोड़ा, और उस थोड़े से समय के दौरान जो चार्ज पास करेगा उस क्रॉस सेक्शन में से वो भी स्मॉल करेगा। तो dq by dt इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कंस्टिट्यूट्स योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज योर कंस्टिट्यूट्स
इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब बात करते हैं जो बच्चों जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, अगर वो चार्ज बच्चों यूनिफॉर्म है, स्टेडी है, एक जैसा ही पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से, तो वहां हम बात करेंगे क्यू बाई डी। इसकी बात करेंगे क्यू बाई डी। तो आप बोल सकते हो यहां पर ये रेट ऑफ फ्लो चार्ज। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि क्यों क्रॉस सेक्शन से हम करंट की बात करते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एक एरिया से बात करनी है कि सर यहां से जब चार्ज पास करता है तो हम बात करते हैं कि करंट बना है। तो हमें जब किसी चीज को डिफाइन करना था, हमें एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ते हैं, वहां क्रॉस सेक्शन से हमने बात करी, ठीक है ना। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट की आप डेफिनेशन या डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। राइट ऑन द डेफिनेशन आई एम टेलिंग अगेन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम या इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मेक्स योर इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस यूनिट में डिफाइन करते हैं, मीन्स मीन्स यूनिट मीन्स एसआई यूनिट और उसकी सीजीएस यूनिट क्या है। तो बात करते हैं बच्चों एसआई यूनिट की। एक नंबर में एक बार क्वेश्चन आता है तो आपको वो यूनिट का पता होना चाहिए कि वो यूनिट है क्या। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है, आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, क्यू बाई टी हमने लिखा, चार्ज की एसआई यूनिट आपने इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ी है कूलम, और टाइम आपका सेकंड। सो व्हेन ए चार्ज ऑफ वन कूलम, व्हेन ए चार्ज ऑफ वन कूलम पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, बच्चों इट मेक्स ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जब एक कूलम का चार्ज पास करता है उस क्रॉस सेक्शन में, देन इट विल मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर। तो बच्चों ऐसा यूनिट हुई करंट की, आप लिख सकते हो ऐसा यूनिट करंट की क्या हुई, एम्पियर। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट होती है एब एम्पियर, एब एम्पियर जिसको हम बायोड भी बोलते हैं, बायोड, ठीक है ना। किसी बुक में लिखा हो सकता है, किसी बुक में नहीं भी लिखा हो सकता, लेकिन आपको याद रखना है The सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज ऑल्सो नोन एज बायोड एंड एब एम्पियर। अब बच्चों एक एम्पियर में 1/10 एब एम्पियर होते हैं, याद रखना है, या बायोड होते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, एसआई यूनिट, डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मेक्स योर इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे या अब हम टॉपिक पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट भी है, कितने टाइप्स के करंट हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि बोर्ड के ऊपर मैंने दो फिगर्स को ड्रॉ किया है, फिगर ए और फिगर बी। दोनों ही फिगर्स में मैंने कंडक्टर्स लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इन कंडक्टर्स को मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया। याद रखना एक सर्किट में, एक कंडक्टर के अंदर, जब किसी कंडक्टर को पूरे सर्किट के अंदर हम बंद कर देते हैं विद सेल बैटरी एमीटर वोल्टमीटर सबके साथ पूरे क्लोज पाथ में, तो इन एनी क्लोज सर्किट ऑलवेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट विल बी देयर, दो प्रकार के करंट होंगे। तो आज हम बात ही करें टाइप्स ऑफ करंट। तो टाइप्स ऑफ करंट की हम बच्चों बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स के करंट आपको देखने को मिलते हैं। ये मैंने यहां पर फिगर दो जरूर लिए, लेकिन जो दो करंट बनेंगे वो बच्चों बनेंगे एक ही सर्किट में, एक ही कंडक्टर के अंदर बनेंगे, एक ही क्लोज पाथ में, लेकिन उन दोनों टाइप्स के करंट को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग अलग फिगर्स बनाए। ये दोनों एक में ही हो रहे हैं, ये काम एक में ही हो रहा है। फिगर ए में आप देख पा रहे हो कि इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलते हुए इस कंडक्टर के ए एंड से बी एंड की तरफ जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली ऐसे घूम रहा है
तो मेक्स ए करंट, विल मेक ए करंट, बट व्हाट टाइप ऑफ करंट एंड ड्यू टू विच द करंट इज फॉर्मिंग हियर। तो इस कंडक्टर ए, इस कंडक्टर एंड, कंडक्टर के एंड ए से बी एंड की तरफ सेल से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से एक करंट बनेगा, और वो करंट हमने माना है, हमने कन्वेंस किया, जब जब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी तब लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। उस टाइम बहुत पुराने टाइम की बात है, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी हमारे सामने आया कॉन्सेप्ट, उस टाइम लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि जब कंडक्टर को सेल से जोड़ते हैं तो सेल की वजह से करंट कंडक्टर को मिलता है, और वो सेल से जो करंट निकलता है, जो सेल से चार्ज निकलता है कंडक्टर, मतलब उस टाइम लोगों का यह माना था कि सेल जो है वो सर्किट के अंदर करंट देता है। कंडक्टर से कोई चीज फ्लो नहीं होती, कंडक्टर के अंदर फ्लो होती है, सेल से निकलती है। उस टाइम अज्यूम किया गया था, लोगों ने वो माना था, कन्वेंस किया था, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, आयंस का फ्लो, पॉजिटिव आयंस। सो ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव आयंस एक करंट विल मेक हियर, यहां एक करंट बनेगा, एंड दैट करंट वॉज अज्यूम बाय दैट टाइम, कन्वेंस बाय दैट टाइम इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो बच्चों इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, आप लिख सकते हो साथ में कन्वेंशनल करंट। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और जो जो करंट आप आई से डिनोट करते हो, जो आप ये लिखते हो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये जो आई होता है ये आपका कन्वेंशनल करंट होता है, जो किधर से किधर फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक टाइप का तो करंट ही होगा। अब सेकंड फिगर में, पहले फिगर में तो चार्जेस कंडक्टर के अंदर जा रहे थे पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम फिगर बी यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कंडक्टर से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, यहां सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहे थे, यहां सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में कंडक्टर से नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से यहां एक करंट बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ड्यू टू द फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इस वर्ड से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, और बच्चों इनकी डायरेक्शन जो होती है ना वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों आपको दिखाने के लिए अलग अलग शो किए गए हैं समझाने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों करंट बढ़ते एक ही सर्किट में हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इन एनी सर्किट देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज कन्वेंशनल एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक, एंड बोथ दीज टाइप्स ऑफ करंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, आर अपोजिट टू ईच अदर। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही डायग्राम में हम दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है, कैसी फिगर बनती है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ करंट के बारे में भी अच्छे से पता चल गया, ठीक है? नहीं भी चला है, कहीं भी कोई भी डाउट है बच्चों, बेझिझक विदाउट हेजिटेशन कमेंट भी, ठीक है? अच्छे से बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन होगा उसका हर एक बात। तो बच्चों अब हम उन दोनों सर्किट को एक ही सर्किट के अंदर मर्ज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होगा। आप देख रहे हो कि इस कंडक्टर को मैंने एक सेल से कनेक्ट किया, कंडक्टर के एंड ए से एंड बी की तरफ, एंड ए से एंड बी की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है,
और पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से जो करंट बनता है दैट करंट इज नोन एज बच्चों कन्वेंशनल करंट। ओके, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हुई हमारी कहां से कहां, पॉजिटिव से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। अब बात करेंगे कंडक्टर के एंड बी से एंड ए की तरफ। बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से भी एक करंट बनता है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड योर इलेक्ट्रॉनिक करंट इज योर एक्चुअल करंट। तो बच्चों कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट आप नोट में लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट इन देयर डायरेक्शन। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 12 का लेक्चर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हमने बड़े बेसिक से प्यार से एज ए एंजॉयमेंट के रूप में हमने समझा कि करंट वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट। तो बच्चों इनकी बात होने का लेक्चर 2 में हम बात करेंगे और अपने लेक्चर 1 से प्रोसीड करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और वो टॉपिक रहने वाला है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 1 को अच्छे से नहीं समझा तो कृपया करके वो लेक्चर 2 में जाने से पहले लेक्चर 1 को अच्छे से समझ के वहां आए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और बच्चों जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोज सो दैट आई कैन कम विद मोर कंसेप्चुअल एंड बेसिक वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, उतने ही जज्बे के साथ डेडिकेशन के साथ मैं आपके सामने आ सकूं। तो बच्चों उसके लिए बस आपको क्या करना है, उस बेल आइकन के ऊपर आपको प्रेस करना है ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए निखिल करके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।